नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टनिंग हरियाणा में। टाइम देखो सुबह के 7:30 बजे हैं और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं घर से। तो देखते देखो मम्मी क्या कर रही है। क्या कर रहे हो बा? भाई मम्मी मम्मी बना रही है लस्सी मक्खन मलाईगी। अरे ये बैठा है गड़बंगा यही ऊपर मुंह करी। भाई ये मलाई की मक्खन बन रही है। पहले हाथ से बिलोते थे, आजकल ये इलेक्ट्रिकल आ गई है, काम आसान हो गया। तो लगी पड़ी कितनी बार खराब कर दिया मशीन। भाई 5-6 बार नहीं खराब हुई, ज्यादा बार खराब हुई है। मम्मी झूठ बोल रही है। मशीन बहुत बार खराब कर दी मम्मी ने, अब तो पता लग गया मम्मी को। अब देख अड़बंगा। तो दोस्तों मैं आया हुआ हूँ प्लाट में। वह आपने देखा था लास्ट टाइम व्लॉग में, यहाँ पे सफाई करी थी, लकड़ियाँ वकड़ियाँ पड़ी थी। तो अब यहाँ पे मिट्टी भराई करके, ये मिट्टी गिराई थी दो ट्राली, तो मिट्टी भराई करके अब ये छप्पड़ की हो रही है तैयारी, पशुओं के छप्पड़ की। और ये आ गई हमारी चाय। ये हमारे पुराने बंदे लगे पड़े हैं प्रेम बाबू, मुँह नहीं दिखा रहा पता नहीं क्यों। और ये लगे पड़े हैं भाई जामुन। जामुन ही है क्यों प्रेम, ये लगे हुए जामुन। पहली बार इस पेड़ का फल खाएंगे भाई जामुनों का। दुर्मठ मिला नहीं बाबा, वो काम चल रहा है वहां पे। तो भाई हमने यहां लगाई थी बेले, तोरी तोरी लगाई थी, खीरा लगाया था और घिया लगाया था। ये है मुझे लग रहा है ये वाली जो बेल है ना, ये शायद खीरे की होगी। ये वाली मेरे हिसाब से ये वाली बेल खीरे की मिलेगी। ये पेड़ लगा हुआ है पता नहीं किस चीज़ का है, बस यूँ है कि छाया अच्छी है इसकी। और कुछ सब्जियां जो है ना अपने यहाँ लगा रखी है, दिख रहा होगा आपको, मैं दिखाता हूँ। अभी यहाँ भी यही लगाया है, तोरी घिया और खीरा इसमें भी निकल आई हैं। ये जो निकली हैं सारी, ये तो अभी घिया की निकली हैं, दिख रही हैं, ये घिया की निकली हैं। उसके बाद उधर उस वाली में लगाया था खीरा, खीरे भी होंगे अब, खीरों का तो सीजन है। अब देखता हूँ डैडी से पूछ करके, शाम को शायद इनमें पानी लगाना पड़े, इनमें पानी लगाएंगे फिर। और अभी नई क्यारियाँ तैयार करी हैं ये वाली, यहाँ पता नहीं क्या लगेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे बैंगन टमाटर और हरी मिर्च के बूटे लगाएंगे। ये है प्लाट, ये एक पेड़ पड़ा है, पेड़ पता नहीं किस चीज़ का यार, लेकिन पेड़ है बड़ा अच्छा, ये एकदम छतरी जैसा है। और ये ट्राली मिट्टी है, जितनी वहाँ लगेगी लग जाएगी, उसके बाद इसको फिर इधर डाल देंगे। मैंने बनाया प्रोग्राम खेत में जाने का बुलेट पे। तो जैसी बाइक स्टोर खोला, बुलेट की हालत देखी, इसके नीचे कुत्ता बैठा है भाई। तो चलो पहले इस पे कपड़ा मार लेते हैं, फिर इसको प्लाट में ले जाके धोएंगे, उसके बाद लेके चलेंगे इसको खेत में। तो मित्रों मैं आ गया प्लाट में, ये खड़ा झोटा। और अभी जो है ना पानी लगा रखा उधर, इसमें पानी चल रहा है, अभी ये भर जाएगी एक बारी, उसके बाद ये भरनी है। लेकिन इसको भरने से पहले झोटे को धोएंगे और एक बार वो देख लेते हैं यार उसमें कितना हो गया। मिट्टी कुटाई, पानी छिड़क के गए हैं भाई बंदे, सुबह आके इसमें ईंटे बिछाएंगे भाई, लेवल लूवल लगा के। ईंटे जो लग रही है ना ये लेवल की है, एक वहाँ लगा दी, इसे लोप वगैरह दे दिया। सुबह आके इस पर ईंटे बिछा देंगे,
छप्पड़ हो जाएगा तैयार बिल्कुल एकदम। और अभी जैसी वो क्यारी भर जाती है उसके बाद जोटे को धोते हैं फिर। तो भाई क्यारी भर गई, अब हो रही है जोटे की धुलाई, जोटे को नवा रहे हैं। अब गरम इंजन है, धुआं मार रहा है, दिख रहा है। अब इस जोटे को धो देते हैं बढ़िया सा। दोस्तों छत के ऊपर से नज़ारा देखो गांव का, दूर दूर तक खेत ही खेत, और वो सूरज देवता डूबने जा रहे हैं अब। वो उधर गुरुद्वारा है, दिख रहा है वो गुरुद्वारा। धान लगने के बाद फिर देखना है आगे वीडियो, फिर आएगा आपको देखने का मज़ा और ज़्यादा, जब चारों तरफ धान लग जाएंगे यहाँ। तो दोस्तों हम पहुंच गए खेत में, और टिंडे की बेले दिन भर दिन सुधार में है, बढ़ रही हैं आगे आगे। स्प्रे का असर हुआ है, जमीन में जो फसलें लगी होती हैं और जो खुद जमीन होती है वो कहती है कि दिन में एक बार मेरा मालिक, मेरा जो धणी है ना, वो मेरे ऊपर जरूर आए, मुझे देख करके जाए। तो जमीन खुद कहती है भाई कि मेरा धणी है, और जब उसका धनी उसके पास आता रहता है ना, जब भी वो अच्छी फसल देती है। और लगा के छोड़ दे 15 दिन 20 दिन, देखे ही ना आवे ही ना, तो भाई ना तो खेत फसल देगा और ना फसल जो है भरपाई करेगी। तो इसीलिए भाई रोज जो है ना एक बार चक्कर पापा लगाते हैं सवेरे, और एक बार शाम को मैं भी लगाता हूँ। और यहाँ लगाए हुए हैं अपने मूँग, ये लगे हुए हैं दोस्तों अपने मूँग, मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल जो आप घरों में खाते हैं। इस पूरी पूरी क्यारी में मूंग लगी हुई है 2 कनाल में। ये है बाबा गोरखनाथ जी का दूना, जय हो बाबा गोरखनाथ जी महाराज। ये है भाई शाम का माहौल, और जब मैं प्लाट में था मैंने आपको दिखाया था सूरज था उस टाइम है ना, लेकिन अब जो है सूरज डूब गया, माहौल हो गया संतरी गोल्डन। अब बस 10-1 मिनट जो है चारों तरफ राउंड लेंगे और उसके बाद जाएंगे फिर घर। तो भाई मैं आ गया वापस प्लाट में, लाइट भी गई, पानी भी गया, और ये पूरा भरा नहीं। तो जैसी लाइट आती है ना, तो फिर जो नीचे वाला टंकी का पानी है उससे भरेंगे इसको। तो भाई अभी चलते हैं घर। तो आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर दोस्तों।